hello friend my name is prashant Chede, and today we are going to learn about the labels and label selector as well as the annotation into the kubernetes word like you know how we can you know assign the labels to the object that we are going to you know, create into the kubernetes cluster as well as the you know how we can you know annotate to that particular deployment and other things that we are going to you know, see in today's session as well as we should aware about that you know how these labels and annotation help us when we are you know

कोई भी शर्ट के ऊपर एक टैग लगा रहता है और उस टैग के ऊपर लेबल्स रहते हैं जैसे कि उसकी प्राइज क्या होती है वो अमाउंट मेल के लिए या फीमेल के लिए वहाँ पे लिखा रहेगा यानी कि जेंडर इज इक्वल टू वॉट उसके बाद में रहेगा आपका साइज कौन किस साइज़ का है उसी तरीके से हम हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कोबर्नेटिज में हम उसे लेबल लगा सकते हैं और लेबल उसी फैशन में लगा सकते हैं जैसे कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर यानी कि कैसे हम डिस्कस किए ऐप इज इक्वल टू ऐप का जो भी नाम है वो हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमारे शर्ट वाले एग्जाम्पल पे प्राइज इक्वल टू अमाउंट जो भी थी लिखी थी वैसे ही फैशन में यहाँ पर हम लेबल को भी वैसे ही की वैल्यू पेयर में हम लेबल दे सकते हैं ठीक है और हम लेबल अभी कौन कौन सी चीज़ों को असाइन कर सकते हैं यू कैन असाइन द लेबल्स टू योर पॉड सेट योर डिप्लॉयमेंट और योर नोट एंड वॉट नॉट ओके सो लेबल क्या हमें जहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है वहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है ताकि हम जब भी व्यू करेंगे तब उसे फिल्टर लगा सकते या फिर ऑपरेटिंग जो भी situation रहेगी मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को मुझे एक्सपोज करना है उसकी सर्विस तो उसके इसमें लेबल सिलेक्टर को यूटिलाइज करके हम उसे एक्सपोज भी कर सकते हैं और जब भी हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं तो लेबल वी कैन यू नो क्रिएट वाइल वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे तब हम रिसोर्स को लेबल uh, कर सकते हैं या फिर इन फ्यूचर भी हम उसे ऐड कर सकते हैं लेबल या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप लेबल देखने जाओगे तो यू कैन डिफाइन द लेबल इन द की वैल्यू पेयर जैसे कि ऐप इज इक्वल टू ऐप वन वर्जन इज इक्वल टू वन जिसको बाद में आप स्लैश लगा के भी उस पर्टिकुलर लेबल को डिफाइन कर सकते हो यानी कि एप्लीकेशन का यानी कि कौन से एप्लीकेशन का या फिर आपका एप्लीकेशन में मल्टीपल पाथवे हो गए तो उसके लिए भी हम बाय डिफॉल्ट यानी कि जब भी लेबल देते हैं उसे वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर मान लो आपको बुलियन लेबल देना है यानी कि यानी कि ट्रू और फॉल्स लेवल में अगर देना है यानी कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देखने जाओगे क्यूब सेटल डाटा आओ क्लस्टर सर्विस इज इक्वल टू ट्रू यानी कि ये अगर हम कहीं पर लिखाई देंगे जब भी फिल्टर करते हैं या फिर ग्रुप देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेबल से जो भी पॉड है उस पर्टिकुलर पॉड में वो पर्टिकुलर पॉड जो है क्लस्टर सर्विस के लिए यूटिलाइज हो रहा है ठीक है चलो तो जब भी हम पॉड के डेफिनेशन लिखेंगे तो मैनिफेस्ट फाइल में हमें कैसे उसे डिफाइन करना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा जो भी मेटा डेटा है आपके ऑब्जेक्ट का उसके मेटा डेटा के अंदर लेबल नाम से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद में जो भी की वैल्यू पेयर है जो भी हमें मल्टीपल की वैल्यू पेयर देने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं दैट्स वॉट यू कैन डू इन टू दूर मैनिफेस्ट फाइल ऑफ एनी डिप्लॉयमेंट रिप्लिका सेट और मे बी योर पॉड चलो तो हम जानते हैं कि हाउ वी कैन यू नो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड असाइनो लेबल टू अवर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आप कमांड देखोगे तो क्यूब सेटेल रन जहां पर मैंने पौड़ बना रहा हूँ आप जीरो वन नाम से उसकी इमेज रहेगी इंजीन और हम यहाँ पे उसको लेबल असाइन कर रहे वर्जन इज इक्वल टू वन एंड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेव लेट मी कॉपी दिस पर्टिकुलर कमांड एंड इफ आई मूव इन टू द टर्मिनल लेट मी नो पुट इट हियर और यहाँ पे हमने एक पॉड क्रिएट किया है एप जीरो नाम से और उसको मैंने लेबल दी है वर्जन वन एंड वर्जन टू अभी मुझे अगर इस पर्टिकुलर ऐप को देखना है कि वर्जन असाइन हुए या नहीं तो उसके लिए मैं कमांड रन करूंगा क्यूब सी टी एल गेट पॉड हाइफन हाइफन शो लेबल्स और यहाँ पे मैं पॉड का नाम देगा पॉड एप जीरो वन ठीक है तो यहाँ पे इसके जो भी लेबल इसे आसानी है यहाँ पे हमें दिखाई देगा करेक्ट ये तो कंडीशन हो गई जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय उसे हमने जो भी लेबल असाइन करने थे वो असाइन कर दिए मान लो अभी ऐसी कंडीशन है कि आपको पॉड तो क्रिएट कर दिया यानी कि अभी मैं पॉड क्रिएट कर रहा हूँ क्यूब गेट क्यूब रन एप ओके डैश डैश इमेज इज इक्वल टू engine एक्स ओके ठीक है अभी मैं इसको कोई लेबल नहीं दे रहा हूँ नाउ दिस पॉड इज गॉट क्रिएटेड नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू नो एड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओके तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जो भी आप आओगे तो आपको यहाँ पे लेबल वाली कमांड रन करनी है, यानी कि क्यूब सेटेड लेबल आपको पॉड का नाम देना है और उसको वो जो भी लेबल आसाइन करना है वो लेबल आप इजीली ले असाइन कर सकते हो ठीक है यानी कि लेब सेटेड लेबल नाम से हम इसे अभी लेबल आसाइन कर रहे हैं लेट मी रन द कमांड टू नो सी दी ऐप पॉड ओके तो आपको यहाँ पे दो लेबल दिखाई देगी एक तो जो भी रन कमांड हमने की थी तो ये रन वाला एक जो भी लेबल से वो असाइन कर देते हैं और वेर वन जो हमने असाइन किया है मगर हम अगर इसी चीज़ को डिक्लेरेटिव वैसे करोगे तो ये रन नाम रन इज इक्वल टू ऐप ये नहीं दिखाई देगा आपको ठीक है तो यहाँ पे जो भी हमारा वर्जन वन वाला जो भी लेबल है यहाँ पे हमने इसे असाइन कर दिया नेक्स्ट टास्क वॉट वी विल डू वी विल यू नो ट्राई टू नो ओवर राइट दी वर्जन कंसिडर दैट यू नो बाय मिस्टेक मैंने क्या किया इसको वर्जन वन कर दिया बट एक्चुअल में मैं जानता हूँ कि ये वर्जन टू है तो उस किसमें मुझे अगर मॉडिफाई करना है वो, उस पर्टिकुलर यू नो लेबल्स को तो हमें ओवर ऑपरेटर right है इसे असाइन करके उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे मैं ओवर राइट ओवर एट्रीब्यूट यूटिलाइज कर दूंगा तब क्या होगा ये मेरा जो भी वर्जन वन था उसे वर्जन टू कर देगा यानी कि जो भी पहली वाली थी उसे ओवर कर देगा लेट्स यू तो नो वैलिडेटेड तो आप यहाँ पे देखो देखिए वर्जन टू है ये पहले वर्जन वन था ये तो हो गया एक इम्परेटिव वे से मगर डिक्लेरेटिव वे से डिक्लेरेटिव नो गुड वे वेन एवर यू आर गोइंग टू नो क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन टू क्लस्टर तो डिक्लेरेटिव वे से हमें अगर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे हमें जब भी लेबल असाइन करना है तो यू हैव टू डिफाइन नो वर्जन यहाँ पे हम पॉड क्रिएट कर रहे हैं और मेटा डेटा में मेटल मेटा डेटा में एक लेबल नाम से हम एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं इस लेबल में इन्वायरमेंट इज इज इक्वल टू प्रोडक्शन ये वाला एक हम लेबल अटसाइन कर रहे हैं और दूसरा लेबल असाइन कर रहे हैं ऐप इज इक्वल टू इंजीन एक्स ठीक है यहाँ पे हमें जो भी डिटेल्स नीचे वाली दिखाई दे रही है दैट्स रिलेटेड टू योर कंटेनर ठीक है तो लेट मी नो कॉपी ऑल दिस यू नो कंटेंट एंड विल मूव इन टू आवर टर्मिनल और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ वी आई एम लेबल्स डॉट yaml ठीक है आई विल पुट डाउन ऑल दोज डिटेल इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल और हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करेंगे ठीक है यह भी फाइल सेव गई वी विल अप्लाई दिस फाइल एंड लेट्स सी हाउ इट्स यू नो असाइन द लेबल क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ और लेबल्स डॉट यामल ये हमने फाइल अप्लाई करके हमने यहाँ पे एक पॉड क्रिएट किया आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी हमने पॉड क्रिएट किया इस पर्टिकुलर पॉड को हमने नाम दिया लेबल डेमो ठीक है सो लेट सी लाइक नो इज दैट लेबल असाइन टू दिस पर्टिकुलर पॉड और नॉट सो लेट जस्ट रन दमांड क्यूब सी टी एल गेट पॉड गेट पॉड डैश डैश लेबल्स शो एंड लेबल्स शो लेबल्स और हमारे पॉड का नाम देंगे यहाँ पे ठीक है तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसको दो लेबल हो गए इंजीनियस एंड एनवायरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन दिस इज हाउ यू कैन नो क्रिएट दी ऑब्जेक्ट एंड यू कैन आसाइन टू योर ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेबल सिलेक्टेड As we know that you know what is the label and how we can you know, assign label to the object and how we can you know, modify it at any time. Now we will uh, think about like you know whenever we want to uh, utilize this label selector, how we can utilize that one so that uh, it will make our life you know simpler whenever we want to you know uh, see the you know labels and you know object related to any application. So, label selector used to filter a Kubernetes object based on the set of labels. When I said the you know, uh, set of label, ने एक एप्लीकेशन है एबीसी नाम का तो एप इज इक्वल टू वर्जन इज इक्वल टू वॉट एवर प्रोडक्शन है UAT है या फिर आपका कोई कैनरी है उसके हिसाब से अगर आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अगर रिसोर्सेस यानी कि ऑब्जेक्ट को फिल्टर करना है सो यू यू कैन लेबल सिलेक्टर ओवर देर ओके ठीक है सिलेक्टर यूज यू नो लेबल सिलेक्टर यूज अ सिंपल सिंटैक्स

और इफ आई टॉक्ट अबाउट यू नो एपीआई नो करंटली सपोर्ट टू टाइप ऑफ सिलेक्टर एक है इक्वेलिटी बेस्ड सिलेक्टर यानी कि जिनकी इक्वेलिटी सेम है उसके हिसाब से आप एपीआई को सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरी है सेट बेस्ड सिलेक्टर जो भी सेट है यानी कि सबसेट है या सेट है उसके हिसाब से आप उसको एपीआई को रन कर सकते हो सो लेट्स एग्जाम्पल लाइक इफ यू वॉन्ट टू नो सी द लेबल्स so in that case you can do like you know you just i will you know copy this command that we have already used in earlier our example and if you run this uh, particular example, so you will able to you know see the labels that assigned to what are the you know pods available in that particular namespace is namespace may job pod abhi run ho rahe, os कौन से पॉड को कौन से वाले को कौन सा ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है लेबल्स असाइन हुआ है वो देगा। सो so, यहाँ पे आप जब भी ऐसे रिसोर्सेस देखोगे और इसमें से आपको कोई पर्टिकुलर लेबल को फिल्टर करना है यानी कि एक तो इक्वालिटी बेस आपका फिल्टर कर सकते हो या सेट बेस कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे मेरा इस पर्टिकुलर पॉड को वर्जन टू यहाँ पे डिफाइन है और इस वाले पर्टिकुलर पॉड part को भी वर्जन टू डिफाइन है एज एन लेबल ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर मुझे उस पर्टिकुलर पॉड से रिलेटेड अगर डेटा लेना है तो मैं क्या करूँगा तो उसको सिलेक्टर से यूटिलाइज करूँगा ठीक है तो यहाँ पे हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे और यहाँ पे मैं कमांड को अपडेट कर देता हूँ मान लो हमें लेवल टू से इसे सिलेक्ट करना है यानी कि जितने पॉड को वर्जन इज इक्वल टू टू लिखा है उतने ही पॉड मुझे यहाँ पे अगर दिखाई देने चाहते हो तो उस केस में कमांड रन करेंगे तो उस केस में मुझे दो पॉड दिख रहे हैं एक है एनी दूसरा है ऐप बराबर ऐसे हम लेबल सिलेक्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वहाँ जहाँ पे हम ग्रुपिंग बेस या फिर आ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी पॉड है उसे हम फिल्टर कर सकते हैं बाई यूटिलाइजिंग द लेबल सिलेक्टर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनोटेशन इन टू दूबर एनोटेशन क्या है एनोटेशन जैसे कि लेबल एक मेटा डेटा प्रोवाइड करता है आपके ऑब्जेक्ट को वैसे जब हम एनोटेशन यूटिलाइज करते हैं तो एनोटेशन प्रोवाइड अ प्लेस टू स्टोर एडिशनल मेटा डेटा टू योर कुबरनेटिज ऑब्जेक्ट यानी कि एक एडिशनल लेवल का मेटा डेटा हम क्रिएट करेंगे कोबरनेटिज ऑब्जेक्ट के लिए एनोटेशन इज ऑल्सो लाइक योर यू नो लेबल्स वेर वी कैन डिफाइन द एनोटेशन इन द की वैल्यू जैसे ही वहां पे असाइन करते थे वैसे एनोटेशन भी वैसे ही यूटिलाइज हो सकते हैं ठीक है एनोटेशन आर मोर फ्लेक्सिबल एंड स्टोर नॉन आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज वर्जन नंबर टाइम स्टैंड और यानी अदर आर्बिटरी डेटा और हम इसकी मेटा डेटा की बात करेंगे मेटा डेटा में अनोटेशन नाम का एक ब्लॉक आएगा उसके अंदर हम ऐप वर्जन इज इक्वल टू जो भी वर्जन है वो डिफाइन कर देंगे वो मेंटेनर कौन है उसका अगर नाम हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए तो दोज थिंग वी कैन डिफाइन इन टू दिनोटेशन अभी हम सोचेंगे कि एनोटेशन एग्जैक्टली कहाँ पर यूटिलाइज हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इफ यू सी हीयर लाइक नो एनोटेशन कीप अ ट्रैक ऑफ अ रीजन फॉर द लेटेस्ट अपडे अपडेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट रन हो रहा है उसका जो भी लास्ट अपडेट हुआ है उसका रीजन क्या है उसका ट्रैक रखने के लिए हम एनोटेशन यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है कम्युनिकेट दि स्पेशाइज कैड्यूल पॉलिसी टू द स्पेशलाइज शेड्यूलर वेर वी कैन यूटिलाइज दिनोटेशन

आ, आपका कुबरनेटिस को छोड़ के यानी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के तरफ से आके आपके अगर क्लस्टर में कोई ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस होता है तो उसका भी ट्रैक हम एनोटेशन के थ्रू रख सकते हैं ठीक है थीके? और एनोटेशन यू नो मोस्ट प्रोबेबली नो वेरियस केस में यूटिलाइज होता है मगर मेन केस उसकी क्या है जहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं एनोटेशन जहाँ पे हमें प्राइमरी यूज केसे जब भी रोलिंग अपडेट होता है आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन का उसके दौरान उसका ट्रैक रखता है और जब भी रोल बैक करता है उस टाइम पे आनोटेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द रोलआउट स्टेटस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू रोल बैक अ डिप्लॉयमेंट टू दी प्रीवियस स्टेट यानी कुछ भी गलत होता है यानी कि स्टेट तो मेंटेन करता ही है वो मगर कुछ गलत होता है आपके रोलिंग अपडेट में तो प्रीवियस स्टेट्स पे जाने के लिए भी वो हमें हेल्पफुल हो सकता है एनोटेशन अभी ये तो कंसेप्ट आपको पता चल गया है कि लेबल क्या है लेबल सिलेक्टर क्या है एनोटेशन क्या है मगर इसको अगर हम ब्रीफली अगर डिफाइन करना जाएंगे जब भी हम वी विल डिस्कस अबाउट दिसकिल सेट डिप्लॉयमेंट वो टाइम पे हमें उससे बार बार यूटिलाइज हो सकता है यानी कि आज के डेट में सिर्फ आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखो कि हाँ कुछ तो भी है कोबर में जो कि इसको लेबल बोलते हैं लेबल सिलेक्टर बोलते हैं या फिर एनोटेशन होते होता है मगर जब भी हम स्किल सेट दिखाई देंगे वहाँ पे हम इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि लेबल्स को हम सही ढंग से कैसे असाइन कर सकते हैं या फिर अनोटेशन करते हैं तो उसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं आई एग्री यू नो कंसेप्शुअली ये बहुत छोटा पार्ट है मगर इसका यूटिलाइजेशन हम करने जाओगे कुबर्नडिज uh, क्लस्टर में तो इट्स मैटर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो भी हम uh, इसे यूटिलाइज करके हमारे रोल आउट करते या फिर थर्ड पार्टी से इसका मॉनिटरिंग करते या फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उस केस में इनका बहुत सारा यूटिलाइज शन होता है जो कि हम आगे वाले हमारे वीडियो में देखेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट सो दैट्स इट फॉर टुडे वी विल मीट इन टू नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग